सूरज की किरणों का धरती से मिलन किस तरीके से होता है, ये बादलों के बीच में से आप देख सकते हैं। और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पे। बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, जो कि आज की वीडियो है शादी के ब्लॉग का। तो आज का ब्लॉग ये शादी का ब्लॉग है। अरे रसम तो बता दे, कौन सी रसम है ये? रसम तो बता दे। मेरे को पता नहीं है भैया। भिक्षा मंगनी रसम हो रही है। मॉडर्न जमाने वाले दूल्हे हैं जो आप देख रहे हैं इसमें वीडियो में, रिफिल वर्सेस दिव्या। सर कैसा फील कर रहे हैं आप? फील वेरी वेल। थोड़ा सा ये एक्सचेंज हो गया हमारा। क्या रिसीव कर दिया आपका ये ऊपर वाला? तो शादी के नाम से आपको मन में लड्डू फूटा? नहीं, लड्डू तो क्या फूटेगा सर, पर थोड़ा सा ये कि है ऐसी बारिश नहीं होनी चाहिए जैसे शाम को थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो और जगह होता। अरे तुमने तो कहा था कि मैं दिव्या के चक्कर में व्रत रखूंगा, क्या हुआ व्रत? व्रत भाई भूख लग रही है, इतना व्रत खोल के रखा, कल से खाना नहीं खिला रहे यार। माल्य अर्पण करें माटला के जो हमारे। तो आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री श्री दीपन सर 1009। ऐसा खाना खाएंगे आप? नहीं नहीं, आप खाए 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 आप खाए आप खाए श्री श्री 1009 बाबा। जैसा कि आप देख रहे हैं, न्यूज अपडेट आई है जौनसार बाबर से मनीष भाई के द्वारा। ये बताते हैं कि तिलौरधार में रोड बंद हो गया है, दूल्हे की आवाजाही बंद हो जाएगी। कृपया दूल्हे को दूल्हे के लिए डोले डूले का इंतजाम करें। ओहो, मुकेश भाई का मैसेज आया है खतवार से। ओहो ओहो, इनको गुलटी भेजी थी SMS के माध्यम से। तो हमारे श्री श्री मंत्री साहब गालियों से इनका भरपूर स्वागत नहीं करेंगे हम। गिफ्ट वो दे रहा है, मेहंदी दे रहा मेहंदी। तो
रात निकल चुकी है खतवाड़ की ओर। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, आगे कुछ जाम भी लग चुका है। आप टाइम से नहीं पहुंच पा रहे तो इसके बारे में कुछ बताओ। ये बढ़िया खेल होने की एक नाटी लगा रहे हैं। तो आज के हमारे ब्लॉग करता है मिस्टर कपिल देव जी, आज आपको बताएंगे इस सौंदर्य के बारे में जो आपको नेचुरली यहाँ पे जो दिख रहा है। तो कपिल जी जरा स्टार्ट करेंगे ब्लॉगिंग। हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं विपन की शादी में और हमें अपना रूट चेंज करना पड़ा बिकॉज जिस रास्ते से हमने जाना था वहाँ पर एक ट्रेला गिर गया है, रोड ब्लॉक हो गया। तो हम एक जंगल वाले रास्ते से जा रहे हैं, आज पहली बार इस रास्ते से आना हुआ, हमें नहीं पता था कि ये इतना खतरनाक रोड है। ये हमारे साथ है रवि जी फिल्म वाले स्टूडियो के, और ये हमारे हैं ठेकेदार जी रामलाल जी रामलाल, और हम चारों जंगल से होकर जा रहे हैं। आज इतना घना जंगल है कि आप देख सकते हैं, आपको दिखाएंगे, देखिए आप देख सकते हैं घना जंगल ऐसा है, जंगली जानवर का भी इतना ज्यादा डर है हमारे पास। तो सेफ्टी के लिए सिर्फ गाड़ी है, गाड़ी में बैठ के चल रहे, जो उतरने का तो यहाँ कोई चांस ही नहीं है। और चाचू ने गाड़ी का जहाज बना रहा है, जहाज देखिए गाड़ी में ये सही था। कपिल और रामलाल जी हमारे आज मंदिर का निरीक्षण करेंगे। इसकी छोटी छोटी दिखती है मंदिर की, बहुत ख्वाहिश थी। थैंक यू चाचू, आपने हमको इधर से लाया मंदिर के दर्शन करवाने के लिए। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this. तो यहाँ पे हम अभी काफल, हमें काफल के पेड़ बहुत सारे दिखे हैं, और काफल के दिखाने के लिए काफल के पेड़ के अंदर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। और ये कपिल काफल तोड़ चुका है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कपिल तो दिखाई नहीं यार, आप यहाँ दिखे कपिल के हाथ में काफल है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये बहुत जबरदस्त चीज होती है, इसका पता क्या बेनिफिट है, जिन लोगों को डायबिटीज वगैरह होती है ना उनके लिए बहुत ही लाभदायक चीज है ये। डायबिटीज शुगर वाला पेशेंट है और वो खाते ना उनकी 90% शुगर तो कंट्रोल हो जाती है इससे। अच्छा, पर मिलते हैं पहाड़ों में। तो चूड़दार महाराज के मंदिर का हमने विजिट करके आज तृप्ति मिल चुकी है। चल पड़ते हैं अब घने जंगलों से दोबारा से। बहुत ही फेमस गांव है ये, जो टूरिस्ट के उस पर भी हमारे लिए वाह व्हाट ए व्यू। देखो सामने देवदार का कितना घना जंगल है, वाह गजब। निगाली का रोड, निगाली का गांव बहुत ही जबरदस्त है। हमने जो सुना है किसी के दंत कथा है ये कि यहाँ पे सात गांव होते थे और वो सात के सात गांव किसी आपदा में दब गए, फिर उसके बाद दोबारा से कुछ लोग आए यहाँ पर बस गए, जो वापस बस गए। मैं देख रहा तोड़ नहीं रहा मेरे पास प्रूफ रहेगा भाई कल, नहीं तो तू आज क्यों लेके आया खीर ये अपनी बेगम साहब, एक अपनी बेगम साहब को एक अपने लिए। हेलो क्यों तोड़ रहे।
और अभी हमें इस रास्ते से जाना है, बड़ा डेंजर रास्ता है ये। फर्स्ट सेकंड गियर में गाड़ियां चलती हैं यहाँ पे। तो इस खतरनाक रास्ते को हम पार कर चुके हैं।
जावे ना आरे नीचे नीचे को शादी के बारे में बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भाई साहब बहुत ही बेकार बेकार बहुत ही बेकार इतनी बेचैनी हो रही थी गर्मी ऊपर से वो सेहरा लगाया हुआ था तो उसके घुटन आ रही थी घुटन सर ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं जलाई हो सर की जैसे उड़वा डाल रहा था सर पे अच्छा दिव्या से पूछा जाए कुछ दो बातें हाँ दिव्या कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस बुरा क्यों यार बुरा तो लग रहा है वापस जाना है जाना है वैसे मैं इनको भेजने वाला हूँ कब कल परसों जब चली जाएगी आराम से मजे करेगी अब कितने साल तक जितने साल रहना वैसे शादी करनी है शादी करके फंस गया यार अच्छा खासा तक तुम्हारा तो ये है न्योदा रसम हिमाचल में जो मनाई जाती है शादी की पार्टी के अगले दिन ये ऑर्गेनाइज किया जाता है और वहाँ पे दूल्हा दुल्हन और उसके परिवार वाले और उसके रिश्तेदार सारे यहाँ पे अपना नाच करते हैं तो ये है वीडियो का अंत।
और इसमें आप देख सकते हैं ये लास्ट दिन होता है पोल्टोज का, शादी के पार्टी के बाद उसके दो तीन दिन छोड़ के ये रस्म निभाई जाती है और इसमें काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं, घर के सदस्य होते हैं, रिश्तेदार होते हैं और काफ़ी अच्छे तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रेम भाव के साथ सभी अपना एंजॉय करते हैं, पहाड़ी संस्कृति को किस तरीके से वो एंजॉय करते हैं आप ये पहाड़ों में आके देख सकते हैं। अंत में यही मैं अनुरोध करना चाहूँगा सभी लोगों से कि सभी अपने संस्कृति को, पहाड़ी संस्कृति को इस तरीके से बढ़ावा दें और अपने संस्कृति के साथ साथ छोटे बड़ों का आदर सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।